रेलवे ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस डाला है आज, तो इस नोटिस में जो कुछ लिखा है थोड़ा सा उस चीज़ को क्लियर करते हैं। सबसे पहले ये किसके लिए है, किन बच्चों के लिए है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फॉर्म भरे गए थे ये 12 मार्च 2019 से 12 अप्रैल 2019 तक ये फॉर्म भरे गए थे। उन छात्र छात्राओं के फॉर्म भरे गए थे जिनकी उम्र थी 18 से 33 साल। इन ये 103,739 पोस्ट के लिए अप्लाई हुए थे। क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले एक रिजेक्ट का नोटिस आया था कि भाई उस जो नोटिस आया था उसमें कुछ बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट करे गए थे और कुछ बच्चे लाखों की संख्या में थे। तो बहुत से बच्चे ट्विटर पे अभियान चला रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलाते हैं वो अभियान चला रहे हैं कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि छोटी मोटी फीस नहीं थी इसमें, ज़्यादा फीस गई हुई थी। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन लिंक लाया जाए उसके बारे में ये था। तो मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में भाई नोटिस आ गया है, जिसमें जो इस नोटिस में बताया हुआ है, इसमें बताया कि भाई मॉडिफिकेशन लिंक जल्दी ही एक्टिव कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और वो जो लिंक आएगी ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे की बहुत सारी हैं, आप एक काम करना हमारी वेबसाइट चेक करते रहना, हम उसमें क्लिक हियर का ऑप्शन लगा देंगे, एक्टिव सून लगा देंगे, रेगुलर हम चेक करेंगे और आप हमारी वेबसाइट से अपना फॉर्म मॉडिफाई कर सकते हो। सारी चीज़ों के बारे में इसमें क्लियर करेंगे। देखो ये जो नोटिस था जो आया था शुरू में ग्रुप डी का, इसमें लिखा हुआ है कि फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कैसे होने चाहिए। तो इसमें भाई सब चीज़ें बता रखी हैं कि भाई वाइट कलर या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। बहुत से बच्चों ने भाई रेड कलर का बैकग्राउंड लगाया, उनके तो रिजेक्ट हुए ही हैं। एक चीज़ और थी कि जो फोटो है वो 1 जनवरी 2019 के बाद का होना चाहिए, उससे पहला ना हो, ठीक है। और ये अगर क्लियर कर रहा है तो ये फुलफिल नहीं कर रहा। और जो था प्रोफेशनल आपका फ़ोटो होना चाहिए। सारी चीज़ें मतलब क्लियर करके भाई सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है कि सब बिल्कुल क्लियर, कोई शेडो वगैरह ना आ रही हो, बाल आपके माथे पे ना हो, सारी चीज़ें इन्होंने बताई है कि भाई इस तरीके से होना चाहिए फ़ोटो, ठीक है ना। तो जिसके में भी डाउट आया है वो रेलवे ने ऑटोमेटिकली सब कुछ करा है, रिजेक्ट करे हैं। ऐसा भी हुआ है कि एनटीपीसी में वही फॉर्म एक्सेप्ट था और रेलवे ग्रुप डी में रिजेक्ट था। ये जो फॉर्म है ये आपके पास फॉर्म, अगर आपने एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों फॉर्म भरवाए हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो फॉर्म है जो फोटो के बराबर में बारकोड आ रहा है ये एनटीपीसी का फॉर्म है। इनके पेपर हो चुके हैं भाई, 28 दिसंबर से पेपर शुरू हो के ये जुलाई तक पेपर चले थे, बहुत लंबी पेपर चले थे। पहला पेपर कोई ऐसा हमने देखा और शायद ये पहला पेपर था जो इतने महीनों तक चला, ठीक है। 6 महीनों तक ये पेपर, 7 महीनों तक ये पेपर चले। ये तो आपका एनटीपीसी है, इनके तो पेपर हो गए। CBT 2 और या फिर CBT 1 का रिजल्ट, CBT 2 का एग्जाम और CBT 1 का रिजल्ट इनके इंतजार कर रहे हैं ये वाले बच्चे। तो आपका जो पेपर है जो अब होना है, जिनके बारे में ये नोटिस है, उनका फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। फोटो यहाँ पे है और बारकोड नीचे है फोटो के, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये होगा चीज़, वेबसाइट पे लिंक लगा देंगे। और कुछ बच्चे अभी भी ये पूछेंगे कि भाई हमारा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हुआ है, हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, हम कैसे पता करें। तो आपके लिए भी भाई लिंक हम लगा देंगे अपनी वेबसाइट पे, जिससे आप स्टेटस चेक कर पाओगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है या फिर एक्सेप्ट है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और आपका डाउट हो तो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की। और जो लिंक है जो जिसमें आप रिजेक्ट फॉर्म और एक्सेप्ट फॉर्म देखोगे, ये हम सुबह तक लगा देंगे। और अगर आप इसे 26 नवंबर के बाद देख रहे हैं तो आपको वो लिंक हमारी वेबसाइट पर लगी मिल जाएगी। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, हमारी वेबसाइट की और टेलीग्राम ग्रुप की भी। टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत सबसे पहले वहाँ पे सूचित आपको किया जाता है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो इससे रिगार्डिंग, आप कॉमेंट कर सकते हो, कोशिश करेंगे जितने जल्दी हो सके आपके सवाल के रिप्लाई करने की।